करीब 10 महीने पहले 3 नवंबर 2022 के बाद 4chan पर किसी एनोनिमस बंदे ने इस मूवी की लीक्स प्रोवाइड की, जिसे सब ने बिल्कुल हल्के में लिया, क्योंकि कुछ समय पहले ही इस मूवी को अनाउंस किया गया था और इतनी जल्दी लीक्स कैसे आ सकती हैं। पर जब इस मूवी की मार्केटिंग स्टार्ट हुई तो धीरे धीरे इन लीक्स की बातें सच होने लगी। सबसे पहले मैं इस लीक को बता देना चाहूँगा, ऑल्दो मैंने इस पर पहले ही वीडियो बनाया हुआ है, पर अब मैं इसे एग्जैक्ट वे में बताऊंगा जैसे वहां लिखा गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। लीक्स के अनुसार ये मूवी 1954 का ही रीमेक है। कुछ कंटेंट्स को ऐड करने के बाद मूवी में दो गॉडज़िलास अपीयर होंगे, एक जो न्यूक्लियर टेस्टिंग से अफेक्टेड है और दूसरा नहीं। नेचुरल गॉडज़िला की स्किन स्मूथ है ऑर्का व्हेल की तरह, छोटे छोटे डॉर्सल प्लेट्स के साथ एक बड़ा प्लेट है इस पोस्टर में जैसे दिखाया गया है वैसे। म्यूटेटेड गॉडज़िला की स्किन रफ है और जली हुई है, साथ ही साथ इसका डिज़ाइन द राइड गॉडज़िला डिज़ाइन से काफ़ी सिमिलर है। म्यूटेटेड गॉडज़िला का नाम है गॉडज़िला और नेचुरल गॉडज़िला का नाम है नॉर्मी। मूवी गॉडज़िला और ह्यूमंस दोनों के प्रस्पेक्टिव से न्यूक्लियर बॉम्ब की ट्रेजेडी को दिखाएगी। अमेरिकन्स को पहले से ही पता था गॉडज़िला के बारे और वे लोग उसे छुपाने की कोशिश कर रहे थे। वर्ल्ड वॉर टू में सेरिज़ावा अपने फादर को खो देता है, यंग सेरिज़ावा अपनी बहन और माँ से अलग हो जाता है। न्यूक्लियर बॉम्बिंग के दौरान उसकी माँ मारी जाती है। सेरिज़ावा और उसकी बहन अलग अलग बड़े होते हैं, एक दूसरे से अलग नज़रिए के साथ। गॉडज़िला एक दिन टोक्यो पर हमला करता है, वो काफ़ी गुस्से में अटैक करता है, पर तभी नॉर्मी वहाँ आ जाता है उसे अपने साथ लेने के लिए, पर गॉडज़िला नहीं जाता और वो उल्टा नॉर्मी से लड़ने लगता है। गॉडज़िला उसे हरा देता है। नॉर्मी के जाने के बाद गॉडज़िला फिर से टोक्यो में तबाही मचाता है और फिर वहाँ से चला जाता है। सेरिज़ावा काफ़ी गुस्से में आ गया था, वो अपने घर को 2 बार बर्बाद होते हुए देख चुका था, पहले न्यूक्लियर बॉम्ब और अब गॉडज़िला। अमेरिका सेरिज़ावा को फंड करता है ऑक्सीजन डिस्ट्रॉयर बनाने के लिए। वो ऑक्सीजन डिस्ट्रॉयर बना लेता है, पर सेरिज़ावा अमेरिकन्स पर भरोसा नहीं करता और इतने खतरनाक हथियार को वो उनके हाथों में सौंपना नहीं चाहता, इसलिए वो ऑक्सीजन डिस्ट्रॉयर को अपने साथ लेकर वहाँ से चला जाता है। वो उससे रिलेटेड सारे नोट्स भी जला देता है। अमेरिकन्स सेरिज़ावा को पकड़ने की कोशिश करते हैं, पर वो जा चुका था। गॉडज़िला और नॉर्मी समुद्र में लड़ना शुरू करते हैं। सेरिज़ावा, उसका दोस्त और सेरिज़ावा की बहन एक बोट से वहाँ जाते हैं। सेरिज़ावा गॉडज़िला पर ऑक्सीजन डिस्ट्रॉयर लॉन्च करता है और इस प्रोसेस में वो खुद मर जाता है। नॉर्मी गॉडज़िला को बचाने के लिए उसे ढकेल देता है, जिससे नॉर्मी को ऑक्सीजन डिस्ट्रॉयर हिट होती है और वो मारा जाता है। गॉडज़िला फाइनली रियलाइज़ करता है कि अब वो पूरी तरह से अकेला हो चुका है। वो दुख में रोर करता है और वहाँ से चला जाता है। अमेरिकन्स डैमेज कंट्रोल पर काम करते हैं, जापान के लोग रीबिल्ड करना शुरू करते हैं इस उम्मीद में कि गॉडज़िला को शांति मिलेगी और वो उन्हें चैन से जीने देगा। तो ये है वो लीक्ड इन्फॉर्मेशन जो 10 महीने पहले सामने आई थी। अभी तक यानी 16 सितंबर तक इसकी कोई भी बात गलत नहीं हुई है। इसी में सबसे पहले बताया गया था कि गॉडज़िला का डिज़ाइन गॉडज़िला द राइड जैसा होगा, जो बिल्कुल सच था। यहाँ बताया गया है कि अमेरिकन्स को गॉडज़िला के बारे पहले से ही पता था और टीज़र में दिए इस लेटर से ये पता चलता है कि ये बात भी सही थी। लीक्स के अनुसार गॉडज़िला टोक्यो में काफ़ी गुस्से में अटैक करता है, जो बिल्कुल सच था। डेफिनेटली सेरिज़ावा कास्ट लिस्ट में नहीं है। इसके 3 मतलब हो सकते हैं। पहला, कि वे लोग उसे स्पॉइलर की वजह से रिवील नहीं कर रहे हैं अभी तक। दूसरा, सेरिज़ावा को पहले रखा गया था पर अब उसका नाम चेंज कर दिया गया है। और तीसरी वजह हो सकती है कि ये लीक्स फेक हैं और अभी तक इसमें जितने भी सिमिलैरिटीज़ मिली हैं वो बहुत बड़ा संयोग है, यानी कोइंसिडेंस है। पर सरप्राइज़ की बात ये है कि लीक्स में जिस तरह सेरिज़ावा की स्टोरी है, मूवी के एक कैरेक्टर शिकिशिमा से काफ़ी सिमिलर है, जो खुद वॉर से सर्वाइव कर गया पर उसके पेरेंट्स नहीं। मुझे लगता है कि इन लीक्ड इन्फॉर्मेशन के सच होने के चांसेस लगभग 60% हैं। कुछ वीक्स में हमें यह पता चल जाएगा कि ये सच हैं कि नहीं। मुझे कमेंट्स में आप अपने ओपिनियन ज़रूर बताइए कि आपको क्या लगता है। तो बस आज के लिए इतना ही।
यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो ज़रूर से लाइक कीजिए और फ्यूचर में इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलता हूँ अगले नए वीडियो के साथ।